गाइज, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने व्यूवर से सवाल करना चाहती हूँ। आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में जाते हो, अटेंड करते हो शादी को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गौर क्या करते हो कि वहाँ की जितनी भी वुमेन्स गेस्ट होते हैं वो क्या वेयर करते हैं? शरारा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या वेयर करते हैं? लहंगा। एंड व्हाट यू वेयर? आप भी लहंगा ही या शरारा गरारा वेयर करते हो, एंड स्टिल यू वॉन्ट टू लुक डिफरेंट। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर आप भी शरारा एंड गरारा या पेपलम टॉप ही पहनोगे और आपके गेस्ट वहाँ पे जितने भी वुमेंस हैं वो भी यही पहन रहे हैं, तो फिर आप में उनमें क्या फ़र्क है? तो आप यूनिक कैसे दिखोगे? गाइज, हम लोगों का फैशन ना एक ही आउटफिट में अटक गया है कि हम लोगों को हमेशा शरारा गरारा, नहीं तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हटकर उसमें जो थोड़े अपडेट होते रहते हैं आपको वही पहनना है। कभी शरारे में डबल लेयर आ गया तो ये न्यू हो गया, कभी पेपलम टॉप आ गया तो न्यू हो गया, कभी छोटे छोटे से कुर्ती हो गई तो वो न्यू हो गया। बट आपको आउटफिट के पैटर्न को चेंज करना ही नहीं है, बस थोड़े बहुत चेंज करनी है, किसके डिज़ाइन को चेंज करना है, कभी यहाँ से कट लग गया कभी वहाँ से कट लग गया। गाइज, आपको टोटली अपने आउटफिट को चेंज करना है। इट मींस कि आपको शरारा गरारा और लहंगे से बाहर निकलना है। सो गाइज, बेसिकली मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ड्रेसेस को शेयर करूँगी जो कि आप सोशल मीडिया पर बहुत देखते हो, बहुत सारे एक्ट्रेस को, बहुत सारे गर्ल्स को देखे होंगे वेयर करते हुए, बट आप रियल में अगर किसी वेडिंग फंक्शन में जाते हो तो आप उस ड्रेस को नहीं देखते हो, जबकि वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। बट यू नेवर ट्राइड ऑन यू, आप कभी खुद पे भी ट्राई नहीं किए हो, तो क्यों ना आप इस तरीके के ड्रेसेस को ट्राई करो जहाँ पे आप भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखो एंड सबसे ज़्यादा अलग दिखोगे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगोगे। क्योंकि कुछ इस तरीके के आउटफिट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हम लोग पहनते नहीं हैं लेकिन हम लोगों को पसंद बहुत आता है। हम लोग हमेशा कॉमन ड्रेस को चूज़ करते हैं और यूनिक दिखना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए, मैं कुछ ऐसे आउटफिट को आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि डेफिनेटली आप अब नेक्स्ट वेडिंग फंक्शन में इसे ट्राई करोगे तो आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे, काफ़ी ज़्यादा रॉयल दिखोगे और बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखोगे। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के साथ, और ज़रूर से ट्राई करने के बाद, आप मेरे इस वीडियो पे आने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे थैंक्स बोलोगे। सो गाइज, हमारा सबसे पहला और यूनिक आउटफिट क्या होने वाला है, वो है अनारकली ड्रेस। अनारकली ड्रेस जो है काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, बट हम लोगों को आइडिया नहीं आता है कि हम लोग भी किसी वेडिंग फंक्शन में इस तरीके के आउटफिट को अपने लिए तैयार करवा सकते हैं। सो गाइज, आप डेफिनेटली अनारकली को चूज़ करें। ये प्लेन अनारकली कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा रॉयल दिखा सकता है। एंड गाइज, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के अनारकली के डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के साथ भी स्टाइलिश अनारकली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप अनारकली डेफिनेट आगे के फंक्शन के लिए चूज़ करें। एंड स्पेशली आप कलर्स का ज़रूर ध्यान रखें, आप वाइट कलर या इस तरीके के ब्रिक कलर को डेफिनेटली चूज़ करें, क्योंकि ये सारे कलर्स ना मार्केट में बहुत ही ज़्यादा न्यू आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक आपको दिखाएगा। एंड ये बहुत ही कम यूज़ किया हुआ कलर्स होता है, तो आप इस तरीके के कलर्स को भी चूज़ करें, क्योंकि कलर्स भी मैटर करता है गाइज। आप हमेशा ये नहीं ब्लैक रेड हमेशा चूज़ करना है, आपको थोड़ा सा यूनिक कलर भी चूज़ करना है। अनारकली के अलावा एक और आउटफिट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में चलेगा, इफ़ यू चूज़ दिस आप काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगोगे, क्योंकि ये भी वेडिंग फंक्शन में बहुत ही कम देखा जाता है पहना हुआ ड्रेस है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर वेयर करें, आप काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर्स भी कितना ज़्यादा प्यारा है, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये स्लीवलेस है इसलिए ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आप इस तरीके के स्लीवलेस ड्रेसेस को वेयर कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड हमारा नेक्स्ट आउटफिट होने वाला पाकिस्तानी सूट। सो गाइस, इट डजेंट मैटर कि आपका रिलीजन क्या है, आप मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो सूट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और खूबसूरत लगता है और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में चल रहे हैं, तो आप वेडिंग फंक्शन के लिए इस तरीके के पाकिस्तानी सूट्स को ज़रूर से ज़रूर वेयर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक अवेलेबल होते हैं, बट गाइज आपको ना नेट के फैब्रिक को ही चूज़ करना है, अदरवाइज़ आप जॉर्जेट के फैब्रिक को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो इस तरीके के सूट्स होते हैं ना, इस सूट्स में आपको जॉर्जेट की फैब्रिक एंड नेट की फैब्रिक, अदरवाइज़ जो ऑर्गेन्जा की फैब्रिक होती है, ये तीन फैब्रिक बेस्ट होते हैं। तो आप फैब्रिक को देख कर इस तरीके के सूट्स पैटर्न को चूज़ करें। एंड अगर आप हीवी एम्ब्रॉयडरी के सूट्स को चूज़ कर रहे हो तो गाइज़ आप मेक श्योर कर ले कि आपका जो ड्रेस का कलर हो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो, क्योंकि वो हीवी डिज़ाइन में है तो आपका कलर्स लाइट होना चाहिए। एंड अगर आप सिंपल ले रहे हो तो आप अपने ड्रेसेस के कलर को काफ़ी थोड़ा डार्क में लें, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर कर लें कि आप इस ट्रिक को ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएं, आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगोगे, ये मेरा वादा है। एंड आप ज़रूर खुशी खुशी आओगे मेरे इस वीडियो पे कमेंट करने के लिए कि थैंक यू सो मच, दिया आपने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।